हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आई होप गाइस आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है कि आप घर में यानी प्लास्टिक के बोर्ड लगाएं या फिर मेटल के बोर्ड लगाएं। तो गाइस, ये जो वीडियो होने वाली है तो इस चीज़ के बारे में आपको मैं फुल जानकारी दूंगा कि आप प्लास्टिक के बोर्ड लगाएं या मेटल के बॉक्स लगाएं। तो जो मेटल का बोर्ड या बॉक्स जो है वो ये रहा, देख सकते हैं आप, और ये रहा हमारा पीवीसी जो 7x4 का बोर्ड है और ये 9x4 का बोर्ड है। साथ में ये है आपका 10x8 का जो बोर्ड है, ये देख सकते हैं आप, शायद इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो ये रहा बोर्ड। तो गाइस, रही बात आप घर में प्लास्टिक के बोर्ड लगाएं पीवीसी के या फिर जो भी हमारा ये जो मेटल के जो बॉक्स रहते हैं, हैवल कंपनी हुई, नेशनल हुई, या कोई देसी कंपनी ही ले लीजिए, आपकी जो इंडियन कंपनी है देसी में, जो खुद अपन जुगाड़ से या नॉर्मल अच्छी जो उनकी जो मेटल वो अच्छी नहीं होती, वो उस तरह के बोर्ड में, तो कौन से लगाए। तो गाइस, अगर बात करें तो अगर आपकी सिंपल फिटिंग होती है, जैसे ये रही आपकी सिंपल फिटिंग, तो उसमें तो गाइस ये लगता है आपका, ये देख सकते हैं आप, ये 7x4 के जो बोर्ड होते हैं उनमें ये बैठते हैं, तो ये देख सकते हैं। तो गाइस, बाकी गाइस अगर इसी तरह के हमें जो ये बोर्ड होते हैं तो उनमें जो है ये हमारी शीट्स नहीं लगती है, तो इसके लिए अलग से मेटल बॉक्स आते हैं। बाकी ये जो हमारे पास ये बोर्ड है, ये देख सकते हैं, ये एक मॉड्यूल बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं ये मॉड्यूल बोर्ड है। जो मॉड्यूल बोर्ड जो होता है, जैसे ये हमारे पास मॉड्यूल बोर्ड है और ये हमारी मॉड्यूल सीट है, देख सकते हैं आप, ये हमारी मॉड्यूल सीट है और ये हमारी जो है एक सिंपल सीट है, आप देख सकते हैं गाइस। तो ये इन दोनों में एक यही फ़र्क रहता है कि ये हमारे जो रहते हैं, ये आपके आगे मॉड्यूल सीट और ये आगे आपके सिंपल सीट। जो सिंपल फिटिंग होते हैं उनमें इस तरह के बोर्ड भी यूज़ होते हैं, बाकी सिंपल जो बोर्ड होता है उस पे भी आपको मॉड्यूल फिटिंग हो जाएगी, लेकिन उसकी जो सीट रहेगी वो आपको कॉस्टली पड़ेगी। बाकी बोर्ड तो इसका आपको सस्ता तो पड़ेगा ही, बाकी इसकी सीट आपको कॉस्टली पड़ेगी, और इसमें दिक्कत ऐसी कोई नहीं आएगी। लेकिन ये हो सकता है कि जैसे कोना कंपनी है वो ही इनके जो, जैसे 12 मॉड्यूल का बोर्ड होगा तो उस पर 8x10 का बोर्ड होगा, तो उस पर आपको जो लगेगी सीट वो 18 मॉड्यूल की सीट लगेगी, तो इस तरह का ये फ़र्क रहता है। तो ये आपका 7x4 9x4 का होगा तो उस पर थोड़ी बड़ी सीट लगेगी। तो इस तरह से गाइस, अगर आप सिंपल फिटिंग करवाते हैं इस तरह की, तो उसमें तो मेटल के बॉक्स में मिल जाएंगे आपको और ये प्लास्टिक के बोर्ड भी। हाँ, मॉड्यूल फिटिंग करवाते हैं तब गाइस, अगर मॉड्यूल फिटिंग होती है आपकी तब गाइस आपका ये GI जो मॉड्यूलर बॉक्स होता है मॉड्यूल फिटिंग में ही लगता है। तो इस तरह से गाइस, अगर हाँ ये थोड़ा सा आपको कॉस्टली भी पड़ेगी मॉड्यूल फिटिंग, और सिंपल फिटिंग में जैसे आपको ये जो बोर्ड बताया मैंने, ये आपको 15 से 20 रुपये में पड़ जाएगा, और जहाँ यही इसकी बोर्ड की बात करूँ 40 से 45 रुपये में पड़ेगा, तो फ़र्क तो है दोनों में। बाकी प्राइस में तो काफ़ी फ़र्क है। तो इस तरह से गाइस, अगर आप सिंपल फिटिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्लास्टिक का बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं और मेटल का भी यूज़ करते हैं। हाँ, मॉड्यूल फिटिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर एक कंपनी जो है, जो ये प्लास्टिक का बोर्ड होता है उसके लिए सीट या स्विच नहीं बनाती, उसके लिए आपको मेजर कंपनी ही होती है, जैसे मैंने कोना कंपनी के बताए उसकी ही कंपनी है जो मैंने इसके लिए सीटें यूज़ करी इन बोर्ड के लिए। बाकी गाइस, ये जो हमारे मेटल के बॉक्स हैं इनमें आप मॉड्यूल बोर्ड यूज़ कीजिए, लेकिन ये मैंने आपको फ़र्क बता दिया, इस पे आपको थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन इस मॉड्यूल बोर्ड पे आपको ये वाले सिंपल सीट नहीं लगेगी। इसके लिए बोर्ड आते हैं, उनका जो डिज़ाइन होता है वो थोड़ा अलग तरीके का होता है, लेकिन अब मैक्सिमम जो है मॉड्यूल फिटिंग होने लगी है, तो आप ये मॉड्यूल फिटिंग करवाइए। ये डिज़ाइनदार भी थोड़ा सा कॉस्टली भी है, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने बजट के हिसाब से काम करवाइए। तो गाइस, इस तरह से हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते रहते हैं। तो आई होप गाइस आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।